हाय, वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एवरीवन। आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ, जिसमें यू कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो आज देखेंगे जो ये सीट्स होती है, बेसिकली यू कैन सी दीज सीट्स आर सो डर्टी, राइट। इसको थोड़ा जूम आउट कर दें तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी डर्ट जमा हुआ है। तो हम लोगों का रेगुलर यूज़ करने से ये जो लेदर पे या पी यू लेदर, ये प्योर लेदर है क्योंकि मर्सिडीज सी क्लास है, ऐसे एक नॉर्मल पी यू लेदर्स भी आते हैं। तो आपको अगर इसको क्लीन कराना है तो आपको डिटेलिंग शॉप पे देना पड़ता है एंड दे चार्ज हेल लॉट ऑफ मनी टू यू, राइट। तो मेरा पूरा इंटीरियर अब काफ़ी डर्टी हो गया है, मैं कहूँगा, है ना। इट्स देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करूँ तो यू कैन सी द डर्ट, राइट। हर जगह है, ऐसे विजिबल अब दिखने लगा है, राइट। इसको साफ़ करने का बहुत ही ईजियर मेथड है जो मैं आपको दिखाता हूँ। फिनिश रिजल्ट्स मैंने भी क्लीन करा है, सो यू कैन सी हाउ क्लीन इज़ इट, राइट। देखिए सारा डर्ट निकल गया, कितना क्लीन है, इतना सॉफ्ट हो गया ये, है ना। तो बैठने में बहुत कंफर्टेबल होगा। तो आपको यू कैन सी द डिफरेंस, कितना शाइन कर रहा है, कितना क्लीन है। कुछ नहीं करना आपको। नॉर्मली आपके हर सबके किचन में कुछ केमिकल्स तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसे प्रिल होता है, प्रिल काफ़ी सॉफ्ट होता है, होता केमिकल है, आई अंडरस्टैंड। इसके लिए स्पेशल भी क्लीनिंग शैम्पूज आते हैं, आप शैम्पू लो सकते हो, कोई भी आप प्रिल यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा पानी मिला के इस टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। कुछ नहीं करना, हल्का सा भिगो के आपको रगड़ देना है, इस पर थोड़ी देर ब्रश करेंगे, उसके बाद आप कोई भी गीले कपड़े से वाइप कर दीजिए, इट विल गेट क्लीन। बहुत हार्श नहीं यूज़ करना है ब्रश आपको, आपको सॉफ्ट रखना है, ऑन द सॉफ्टर साइड, राइट, कि पूरा क्लीन हो जाएगा आपका, है ना, ट्रस्ट मी। एंड उसके बाद ताकि, क्योंकि हल्के से केमिकल लगे हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि क्रैक्स ना पड़े, आपको ऐसा कुछ ख़रीदना पड़ेगा। मतलब दिस इज़ अ आमर ऑल लेदर कार केयर जेल, ये सॉफ्टन करता है आपके लेदर को, राइट। ये काफ़ी अच्छी है, ये अमेरिकन ब्रांड है आमर ऑल का, तो बहुत अच्छा है। तो इट विल स्टे लॉन्ग, मतलब सीट्स आपकी क्रैक नहीं करेंगी, काफ़ी लंबी रहेंगी। देखिए मैंने इसको शायद बहुत टाइम से नहीं क्लीन कराया था तो हल्का सा यहाँ क्रैक पड़ा है, राइट। तो ये डर्ट की वजह से हो जाता है। तो हो गया इसको भी काफ़ी डिकेट हो गया गाड़ी को, तो बट स्टिल इट्स इन प्लश कंडीशन, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ करके, जस्ट टू शो दैट वॉट कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ डूइंग दिस। तो हल्के से आप इसमें ऐसे, हाँ थोड़ा सा विजिबल है, छोटे छोटे से एरिया में दिखाता हूँ, ऐसे आप रब करेंगे ना तो इट विल क्लियरली शो यू द रिजल्ट। मैं इतने एरिया में कर रहा हूँ ताकि बाकी एरिया में से हम कंपेयर कर सकें। सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं आप, ज़िगज़ैग मोशन में कर सकते हैं, ठीक। I'm sorry for shaking in my one hand. बस इतना काफी करना है और कुछ नहीं, एंड जस्ट रब इट विद अ क्लोथ जेंटली, राइट। देयर यू गो, यू कैन सी द ब्लडी डिफरेंस, राइट। तो आप देख सकते हैं, मैं पूरा वाइप कर देता हूँ ये, तो आप सकते हैं ये पूरा एरिया क्लीन हो चुका है, पूरा पैच दिख रहा है क्लीन एरिया का, राइट। थोड़ा और क्लोजअप में जाए तो देखिए इसमें कोई गंदगी नहीं है, राइट, कोई डर्ट नहीं है, देखिए कितना डर्टी है। सो इट विल गिव यू अ ब्यूटिफुल इंटीरियर लुक, राइट। सो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये क्रीम है, क्रीम जेल है, ये थोड़ा सा आप निकालिए, वाइट कलर का लिक्विड होता है, राइट, और ऐसे आप पोर कर सकते हैं एंड अप्लाई इट ऑन द सर्फेस, ऐसे थोड़ा सा, मैं तो दूसरी जगह यूज़ कर लूँगा इसको, इतने एरिया में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अब इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया, एंड इसे हल्के से वाइप कर दीजिए, दैट्स इट, इट विल गिव यू ओरिजिनल फिनिश जैसे आपकी गाड़ी आई थी, ये देखिए, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट नाउ। यहाँ का हार्ड है तब भी ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, आपको फील होगा बैठने में। तो हाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ़ यू लाइक काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज़ द जेल विच यू कैन यूज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गिव इट अ लाइक एंड थम्स अप, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।